रेनबो दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी और एक क्या होता है सेकेंडरी होता है। प्राइमरी रेनबो के बारे में हमने डिस्कस कर चुके थे, अब हमें डिस्कस करना है किसके बारे में, सेकेंडरी रेनबो के बारे में। जितना प्रॉपर्टी आपका प्राइमरी में पढ़ना था जस्ट अपोजिट किसने पढ़ना है आपका सेकेंडरी। यदि याद है तो सेकेंडरी वाला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे याद हो जाएगा। प्राइमरी में क्या था कि ये छोटा होता साइज में होता है, सेकेंडरी में ये बड़ा हो जाएगा साइज में। प्राइमरी ज्यादा चमकीला था, ये क्या होगा कम चमकीला होता है। कितना समझ आ रहा है सब। प्राइमरी में क्या था, अंदर की ओर कौन सा कलर था, हो गया समझदारी करता हूँ। अंदर की ओर वायलेट था, ठीक है सही बोले। अंदर पर क्या था वायलेट था, बाहर पर क्या था रेड था। सेकेंडरी में उल्टा हो जाएगा, अंदर की ओर रेड हो जाएगा, बाहर पर क्या हो जाएगा वायलेट हो जाएगा। अच्छा प्राइमरी वो में कितने बार अपवर्तन और कितने बार पांतिक परिवर्तन होता है, दो बार अपवर्तन परिवर्तन। सेकेंडरी में क्या होना चाहिए, सेकेंडरी में होना चाहिए दो बार आवर्तन होता है और दो बार पूर्णांतिक परावर्तन भी होता है, दोनों दो दो बार रहेगा। आप लोग उल्टा समझ गए होंगे ना कि इसको एक को दो कर देता है दो बार, ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या होगा, दो बार अपवर्तन होगा और दो बार क्या होगा पूर्णांतिक परावर्तन, दोनों दो दो बार होता है, दोनों क्या होता है दो दो बार। अच्छा प्राइमरी रेनबो में जो न्यूनतम विचलन हो रहा था रेड और वायलेट के लिए कितना कितना डिग्री हो रहा था, 43 डिग्री और क्या था 43 था। यहाँ पर 54 और 51 रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा 54 और 51। वायलेट के लिए 54 हो जाएगा और रेड के लिए क्या देगा 51 डिग्री होगा। जस्ट अपोजिट हो गया, फिर इसको फिगर में समझना है, हो गया कहानी खत्म। इतने तो पढ़ना है, ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं, हो गया है ना आसान की नहीं। पहला पॉइंट दूसरा ऐसे ही बढ़ रहा है, बढ़ रहा गया। तो पहली पॉइंट पर सुनिए, इसका आकार क्या होता है, इसका आकार बड़ा होता है, इसका आकार क्या होता है बड़ा होता है, यह कम चमकीला होता है, यह क्या होगा कम चमकीला होता है, ज्यादा चमकीला नहीं हुआ जली मई चमकेगा हल्का प्रकार पता चल लगेगा, खाली इंद्रधनु धुंधला नहीं दिख रहा है ना, बहुत कम चमकीला कलरों में पहचान पड़ेगा अच्छा है ये कम चमकीला होता है। साथ चलिए अगली पॉइंट क्या देख रहा है, इसके जो अंदरी भीतरी कोर होता है वो लाल रंग का, बाहरी कोर जो होता है क्या होता है वायलेट का ना, अरे वायलेट का, जैसे कि बनाते ना सबसे रेनबो बनेगा। इधर हो गया इनर इड, इनर इड हो गया इनर इड मतलब भीतरी कोर, ये जो भीतरी कोर होता है वो क्या होगा रेड कलर का होगा। उधर हो गया आउटर इड बाहरी कोर, बाहरी कोर जो रहेगा वो क्या रहेगा वायलेट रहेगा, क्या रहेगा वायलेट मतलब बैंगनी, वायलेट मैंने क्या हो गया बैंगनी कलर का, ये भी बात समझ में आ रहा होगा सब। तो लिखा रहे भीतरी कोर रेड कलर का, बाहरी कोर क्या होगा वायलेट कलर का, इतना समझ में समझ आ गया। अब इसमें जो बनेगा न्यूनतम विचलन की बात करते हैं, तो वायलेट के लिए न्यूनतम विचलन क्या होगा, वायलेट के लिए न्यूनतम विचलन जो होगा न्यूनतम विचलन यानी मिनिमम डेविएशन है, न्यूनतम विचलन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसके जो मिनिमम डेविएशन होगा यानी डेल वी इक्वल टू होगा 54 डिग्री 50 क्या रहेगा 54 डिग्री। और उसी प्रकार से रेड कलर के लिए क्या होगा, रेड के जो न्यूनतम विचलन होगा वो कितना हो जाएगा, रेड के जो न्यूनतम विचलन होगा वो डेल आर इक्वल टू हो जाएगा 51 डिग्री, 50 क्या था 1 डिग्री। तो वायलेट के लिए 54 डिग्री और रेड के लिए क्या 51 डिग्री, मिनिमम डेविएशन समझ में आ रहा है। अब इसमें होता है क्या है, दो बार प्रकाश का अपवर्तन होगा और दो बार क्या होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसमें अगला पॉइंट क्या समझना, इसमें दो बार अपवर्तन, अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन, टू टाइम्स रिफ्रैक्शन होगा और
और दो बार पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन, पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन प्रावर्तन मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल क्या होगा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होता है किसमें सेकेंडरी रेनबो, किसमें होगा आपका सेकेंडरी रेनबो, समझ रहे हैं यहाँ तक। इसको फिगर में जैसे समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए वाटर ड्रॉप है ना, हेवी वाटर ड्रॉप है ना, ठीक है, भारी भरकम। अब इसमें कोई रे आ रही है, सपोर्ट ऐसा कोई रे गया, सनलाइट, हाँ ये हो गया रे, सनलाइट हो गया, इधर से सनलाइट आया, तो इस यहाँ पर एक नॉर्मल लेके चलना, एक क्या लेना आपका नॉर्मल, ये नॉर्मल लेके चलते हैं, ऐसे करते हैं, किधर हिट करेगा नॉर्मल क्यों, क्योंकि रेयर से डेंसर भी जा रहा है, वाटर डेंसर क्या रेस्पेक्ट में है, तो किधर बेंट करेगा नॉर्मल की ओर, तो नॉर्मल की ओर क्या हो गया बेंट करेगा, इस प्रकार से बेंट कर देगा, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर हुआ है रिफ्रैक्शन, क्या हुआ है रिफ्रैक्शन, ये यदि एंगल आई बन रहा है तो ये एंगल यहाँ पर क्या बनेगा आर बनेगा, समझ में आ रहा है, ये एंगल आए तो एंगल क्या हो गया आर बन जाएगा। उसके बाद देखिए एक नॉर्मल यहाँ पर डालना है, इस पर यहाँ पर क्या होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पर क्या होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस तरह से चलेगा किरण, यहाँ पर टकरा गया सीधा, इस प्रकार से आएगा, समझ रहे हैं। अब बताइए ये एंगल, जो एंगल इधर रहेगा वही एंगल क्या होगा इधर ही बनेगा, दोनों तरफ एंगल क्या रहेगा सेम ही रहेगा, है ना। चलिए शांत रहेगा, इसके बाद यहाँ रिफ्लेक्शन, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल क्या हुआ रिफ्लेक्शन, यहाँ भी होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ भी क्या हुआ टोटल इंटरनल क्या हुआ रिफ्लेक्शन, इस तरह से अगर समझ में आ रहा है, यहाँ भी होगा टोटल इंटरनल क्या हो गया रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन इस पॉइंट पर भी हुआ और क्या हुआ इस पॉइंट पर हुआ, समझ में आया था। अब यहाँ पर फिर एक नॉर्मल फिर चल लगाते हैं, यहाँ पर नॉर्मल अब क्या हवा आ जाएगा, अब क्या होगा पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन होने के लिए कंडीशन होता है, जानते हैं आपतन कोण क्रांति कोण से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन हुआ। यहाँ पर क्या था आपतन कोण क्रांति कोण से क्या था बड़ा था, तब पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ भी हुआ लेकिन यहाँ पर अब छोटा हो गया, तो रे क्या होगा बाहर गो आउट हो गया। अब बाहर निकलेगा तो बताइए किधर, सीधे नहीं आएगा, नॉर्मल से दूर आएगा, तो थोड़ा सा ऐसे नहीं आकर इधर बेंड कर निकलेगा, ये ऐसे भाग जाएगा, ये क्या है इस प्रकार से भाग, ये रे आ रहा है और ये रे क्या हो रहा है जा रहा है ना, ये था रे ऑफ इंसिडेंस था, ये इमर्ज रे, ये क्या है इमर्ज रे निर्गत किरण, और ये क्या हुआ इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे, दोनों रे समझ में आ गया, दोनों रे के बीच जो एंगल बनता है उसी को तो हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन कर, तो ये दोनों के बीच एंगल बन रहा है यही क्या क्या होगा डिविएशन, तो क्या एंगल ऑफ डिविएशन यही होगा कि और कुछ होगा, ये भी तो दोनों रे के बीच कोण बन रहा है, ये जैसे दोनों रे के बीच कोण बन रहा है ये वाला तो डेल हो गया, तो क्या वही केवल नहीं बन रहा एक और भी बन रहा दोनों रे के बीच, ये भी बन रहा दोनों रे के बीच ही कोण है ना, ये होगा डेल, ये भी एंगल ऑफ डिविएशन बोल सकते हैं, ये भी क्या होगा एंगल ऑफ डिविएशन, क्योंकि आप पढ़े थे इमर्ज रे और रे इंसिडेंस रे, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को है क्या बोलते हैं विचलन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं, तो यहाँ भी वही दोनों किरण के बीच का कोण है, ये भी क्या है वही दोनों किरण के क्या है बीच का कोण का डेल, और क्या होगा डेल डैश,
पैरेलल क्या होगा, दूसरे शब्दों में समझना है तो इसके पैरेलल कट रहा है तो ठीक है, नहीं कटता तो फिर क्या करते, पैरेलल खींचते। यदि कट गया तो आराम से बता दिए दोनों रे के बीच कोण बना दे, दोनों रे नहीं कटता सपोर्ट हेड को जरूरी कट जाएगा, यदि नहीं कटता तो फिर क्या करते हैं, इसका पैरेलल खींचते हैं यहाँ से, नहीं कहते ऐसा क्या करते हैं, पैरेलल खींचते। अब पैरेलल खींचते तो यहाँ पर एंगल बनता, फिर यहाँ पर क्या बनता है एंगल, वही बनता है डेल, वही क्या बनता है डेल एंगल, ऐसे बनाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो सेकेंडरी रेनबो में किस प्रकार से एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होता है वो समझ में आ गया होगा ना। अब इसी में रेड कलर का जो रहेगा डेल आर वो कितना होता है, रेड कलर का पर लिखा है हुआ है 41 डिग्री ना देगा, वही लगे। अब वायलेट कलर के लिए डेल भी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 50 क्या हो गया डिग्री हो जाएगा, 50 क्या हो गया डिग्री। अब इसके फिगर से समझना है क्योंकि क्या अगला फिगर में क्या समझाएंगे कि बताया था कि अंदर की जो रहेगा इनर इज जो रहेगा वो रेड कलर का रहेगा उल्टा, प्राइमरी का उल्टा है क्या, और आउटर इड्स जो रहेगा क्या रहेगा वायलेट का रहेगा। तो इसको फिगर से अलग नेक्स्ट समझाते हैं कि अंदर की ओर रेड क्यों होता है और बाहर की ओर वायलेट क्यों होता है। इस फिगर में कौन कौन नहीं समझे जो हाथ जाइएगा, समझ में आया। अच्छा ये नॉर्मल किस आधार पर लेते हैं पता है, यदि यहाँ पर सेंटर मानते तो सब सेंटर से गुजरेगा, सब कहाँ से गुजरेगा सेंटर से, नॉर्मल वही लेते हैं, यानी कोई भी सर्किल में जो केंद्र से गुजरने वाला त्रिज्या होता है वो क्या होता है, वो स्पर्श रेखा पर क्या होता है लंबवत होता है, जो त्रिज्या होता है स्पर्श रेखा पर क्या होता है लंबवत। ये सब नॉर्मल है, सब क्या है नॉर्मल कंसेप्ट वही है, रेयर से टेंशन में जाएगा तो किधर मुड़ेगा उसी के आधार पर यहाँ पर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी रिफ्रैक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यहाँ भी क्या हुआ रिफ्रैक्शन, यहाँ भी क्या हुआ रिफ्लेक्शन, तो दो बार रिफ्लेक्शन और दो बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, समझ में आ रहा है ठीक है, नोट कीजिए। अब हम समझते हैं कि इसमें रेनबो कैसे बनता है, सेकेंडरी रेनबो किस प्रकार से बनता है, उसको फिगर से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए फिगर से समझने के लिए एक वाटर ड्रॉप लेना है, ये वाटर ड्रॉप हो गया, इसके बाद इस पर रे आएगा किरण, लाइट इंसिडेंस का आना इस तरह से, जब ये रे इस पर आएगा तो यहाँ पर अपवर्तन हुआ, ये क्या हो जाएगा अपवर्तन, इस प्रकार से नॉर्मल खींचते हैं अपवर्तन, अपवर्तन से किधर मुड़ेगा नॉर्मल की ओर, लेकर यहाँ पर हम केवल स्ट्रीम कलर लेते हैं, क्या लेते हैं स्ट्रीम कलर, ज्यादा डिविएशन वायलेट का होगा, ज्यादा क्या होगा ये वायलेट हो गया, और रेड का कम डिविएशन होगा तो ये क्या हो गया रेड हो गया, क्या हो गया रेड, इस प्रकार से कलर डिवेट हो गया, समझ में आ रहा है। दो नॉर्मल चलते हैं, एक नॉर्मल इधर भी और एक नॉर्मल इसके लिए भी, दो नॉर्मल ठीक है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो अपवर्तन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हुए इधर की ओर जाएगा, ये होगा इससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, तो अपवर्तन कोण परावर्तन कोण की बराबर होते हुए क्या होगा ये भी इस तरह से जाएगा, अपवर्तन कोण क्या हो गया परावर्तन कोण के बराबर, तो दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पर भी क्या करना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, एक नॉर्मल इसके लिए हो गया और एक नॉर्मल क्या हो गया इसके लिए, इसमें भी आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या बराबर होते हुए निकलेगा, इसमें भी क्या होगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हुए इस तरह से आएगा ऐसे निकला। इसके बाद यहाँ पर फिर दो बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया ना, यहाँ भी होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ भी होगा टोटल इंटरनल क्या गया रिफ्लेक्शन, यहाँ पर हो गया रिफ्लेक्शन, क्या हो गया रिफ्लेक्शन, फिर इधर भी करना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। नॉर्मल जो नॉर्मल का जो सेंटर से मिलने वाला होता है ना नॉर्मल,
अब यहाँ पर जो भागे बाहर जो निकलेगा नॉर्मल एवे प्रो क्या हो गया नॉर्मल नॉर्मल से दूर क्यों है ना नॉर्मल से दूर निकलेगा ऐसे नॉर्मल से दूर निकलेगा लेकिन वक्र में निकालना है क्या निकालना है वक्र में करो ये भी नॉर्मल से दूर निकलेगा लेकिन क्या निकलेगा वक्र में करो है ना इस तरह से करें वक्र में तो जैसे इनर एज जो इनर होगा वो क्या होगा रेड का हो गया इनर वाला क्या हो गया रेड और बाहर और जो आउटर हो गया वो क्या हो गया वायलेट क्या हो गया वायलेट ये हो गया बाहरी बाहरी कोर क्या हो गया अरे क्या हो गया भीतरी कोर क्या हो गया भीतरी कोर तो इस प्रकार से इसमें रेनबो बनता है सेकेंडरी रेनबो इस तरह से बनता है ये जो रेनबो बना क्या बना है सेकेंडरी बना है ये क्या बन गया सेकेंडरी क्यों बना सेकेंडरी पता ही क्योंकि दो बार रिफ्लेक्शन दो बार रिफ्लेक्शन दो बार की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अब बताए दो दो बार अंदर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो इसका इंटेंसिटी घटेगा ही ना बार बार घूमते रहेगा अंदर में तो क्या आधा लाइट तो अंदर रहेगा ना इसका इंटेंसिटी क्या घटेगा इसलिए इसका ये जो प्रतिबिंब होता है ये जो रेनबो होगा वो कम चमकीला होता है इसी की वजह से रेनबो क्या होगा चमकीला कम होता है कोई दिक्कत नहीं आता कि और जैसे बार बार जैसे कि यहाँ पर देखिए जब बार बार रिफ्लेक्शन होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन हो रहा है धीरे धीरे जितना दूरी डिस्टेंस करे जैसे कि कोई चीज़ ऐसा फैलता हुआ जा रहा है सपोर्टेड तो इतना दूरी कवर किया है कि इसका चौड़ाई इतना रहेगा नहीं रहेगा लेकिन इसी एंगल से निकल रहा है कोई ज़्यादा डिस्टेंस लिए है एंगल सेम है ये भी ठीक ये भी क्या है ठीक तो इसका चौड़ाई क्या अधिक हो जाएगा नहीं देगा तो यहाँ पर दो बार जो टोटल रिफ्लेक्शन हुआ है तो पहला लाइन से कहा कि इतना एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो यहाँ आया और यहाँ से बाहर निकल गया यदि प्राइमरी रेनबो की बात करते हैं तो इधर आया यहाँ से क्या हो जाएगा बाहर निकल गया तो अंदर थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो बाहर उसका क्या हुआ चौड़ाई कम होगा पट्टी का लेकिन इसमें क्या हुआ इधर गया इधर आया तब बाहर निकला ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो चौड़ाई पट्टी का क्या होगा ज्यादा होगा इसी वजह से सेकेंडरी रेनबो का साइज बड़ा होगा ये समझ में आ गया कि सेकेंडरी रेनबो का साइज बड़ा क्यों होता है और प्राइमरी का छोटा क्यों होता है जिसमें दोनों का एंगल जब सेम ही रहेगा यहाँ पर एंगल क्या रहेगा सेम ही रहेगा क्योंकि मीडियम जब सेम है बाटर उसमें भी बाटर क्या है प्राइमरी में बाटर सेकेंडरी में भी है तो जब एंगल सेम रहेगा तो डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा ज्यादा अधिक दूरी पर स्क्रीन पर लगाते हैं इसको तो चौड़ाई पट्टी का क्या होगा ज्यादा होगा कम दूरी पर लगाते हैं तो क्या होगा पट्टी का चौड़ाई क्या होगा कम जैसे टॉर्च चलाते हैं तो दीवार पर और टॉर्च को नजदीक ले जाइए तो थोड़ा सा दूर तक ब्राइट करेगा नहीं करेगा और वही टॉर्च को दूर कर दीजिए तो क्या होगा बड़ा सा ब्राइट करेगा दूर तक करेगा समझ में आ रहा है इसी वजह से तो दो बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इसलिए डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करने की वजह से इसका साइज क्या होता है बड़ा होता है किसका चलिए अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे।